नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। वक्त 5 के प्रश्नकाल का है। शावेरी में अवैध निर्माण को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। शावेरी में अवैध निर्माण के दौरान तैनात रहे कोतवाल, चौकी इंचार्ज और सिपाही कुल 22 पुलिसकर्मियों की एक सूची शासन को भेजी गई है। शावेरी में बड़े स्तर पर जिस तरह से अवैध निर्माण हुए, प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। शावेरी मामले पर कई आरोपी बिल्डरों पर अब तक कार्रवाई न होने के कारण सीएम की नाराजगी फिर से सामने आ रही है। एक तरफ बायर्स हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे, इनको ना गिराया जाए, लेकिन मजबूरी ये कि अगर उन्हें समय रहते खाली नहीं कराया गया, बिल्डिंग्स नहीं हटाई गई, तो बड़ा हादसा और भी हो सकता है। सीएम ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अवैध निर्माण के दौरान प्राधिकरण में तैनात रहे जिम्मेदार अधिकारियों की सूची भी मांगी है। इसके अलावा आरोपी बिल्डरों पर एनएसए की कार्रवाई के लिए भी सीएम ने कहा कि अब तक ये देखना होगा कि दिलचस्प होगा कि सीएम योगी की इतनी सख्ती के बाद आखिरकार कार्रवाई क्या होती है। तो 5 के प्रश्नकाल की हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आज की 4 तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हैं। वो तस्वीरें जो सब कुछ कहानी को बखूबी कहती हैं। एक तस्वीर ये रही, ये तस्वीर शावेरी का गुनाहगार कौन है। पिछले साल की अगर हम बात करें, 2 हादसे हुए, 2 इमारतें गिरी और कई सारे मासूम और परिवार यहां पर बिखर गए, तितर बितर हो गए, कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ये सवाल उठा था कि आखिरकार ये निर्माण जो है वो कैसे हुआ, बिल्डिंग्स आखिरकार गिर क्यों रही है। उसके ठीक नीचे अगर आप तस्वीर देखें, ये रही, आखिरकार अब लोग बेघर होंगे। जी हां, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आदेश दिया गया बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए, लेकिन जिन बायर्स ने घर लिया था उनके लिए आखिरकार क्या होगा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। वो प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। उसके बाद एक और तस्वीर ये रही, अब मुख्यमंत्री से आस है। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दरअसल जिन्होंने अवैध निर्माण किया, जिन बिल्डर्स ने कराया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं आप कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन आखिरकार हमारे लिए भी कुछ सोचिए, हम जाएंगे कहां। दूसरी तस्वीर ठीक नीचे अगर हम देखें, ये तस्वीर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब, यानी कि जो घर बनाने वाले थे, यानी कि जो बिल्डर्स हैं, और खास तौर पर वो अधिकारी जिनकी मिली भगत से घर बने, वो पुलिसकर्मी जिन्होंने इसे समय रहते रोका नहीं, जिनके इलाके में पूरा पड़ता था, उन पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी। 22 लोगों की लिस्ट जो है पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की, वो शासन को भेजी गई है। तो इन 4 तस्वीरों के बाद आगे अगर हम बात करें 5 के प्रश्नकाल में आज के सवाल के, आज के सवाल है शावेरी के आरोपों पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी। जी हां, शावेरी के आरोपियों पर कार्रवाई कब, सवाल नंबर 1। साथ ही साथ सवाल नंबर 2, क्या सीएम योगी की सख्ती के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बेहद सख्त हो गए हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि जो घटना घटी बल्कि अब आगे ना घटे, किसकी वजह से घटी। सवाल नंबर 3, क्या प्रशासन कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रहा है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो ढुलमुल रवैया सामने आया है, या इमारतें बनती गई तो कैसे बनती गई आपकी आंखों के सामने। सवाल नंबर 4, क्या 22 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उस समय वो वहां पर तैनात थे। सवाल नंबर 5, क्या बिल्डर के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। तो शावेरी के बारे में कौन नहीं जानता, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से लगता हुआ इलाका शावेरी, जहां पर पिछले साल 2 बड़े हादसे सामने आए, कई मासूमों की मौत हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल ये कि घटना तो घट गई लेकिन आगे ना घटे इसको लेकर इंतजाम क्या है, वो घटना घटी वो क्यों घटी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे तमाम सवाल हमने आपको दिखाए, 4 तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन आखिरकार शावेरी के मामले पर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। शावेरी में अवैध निर्माण में शामिल 22 पुलिसकर्मियों की सूची शासन को भेजी गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम ने अवैध निर्माण के समय प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों और पुलिस वालों की सूची मांगी है, लिस्ट दीजिए कौन कौन उस समय तैनात था। सीएम ने बिल्डरों पर एनएससी की कार्रवाई के लिए कहा, यानी कि रासुका लगाने की बात कही है, क्योंकि जिनकी वजह से इतनी मौत हुई है, आरोपियों पर कार्रवाई ना होने से सीएम योगी अब बेहद नाराज हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। इसीलिए आज हम इस पूरे मामले पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि बेहद जरूरी हो गया एक ऐसा मुद्दा, वो मुद्दा जिसमें लगातार आम आदमी पिस रहा है, बल्कि पिस ही नहीं रहा है, आम आदमी की लगातार जान भी जा रही है। उसके सामने आप खुद सोचिएगा, आप अगर अपनी रोजी रोटी कमाते हुए पाई पाई बचाकर एक घर खरीदते हैं और वो घर गिर जाता है, उसमें आपके परिवार के किसी की मौत हो जाती है, तो आखिरकार उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। और ना कि सिर्फ इतना, हादसा नहीं भी हुआ लेकिन अगर हादसे की आशंका है और आपसे वो घर खाली कराया जा रहा है, तो आखिरकार आप पर क्या बीतेगी, आप वो घर कैसे खाली कर पाएंगे जिसे आपने पाई पाई जोड़कर बनाया है। तो ऐसे में
शाबेरी वो इलाका जो कहानी कहता है एक सिस्टम की लापरवाही की, वो सिस्टम जिस सिस्टम में हम और आप जीते हैं, वो सिस्टम जिससे हमारा और आपका रोज सामना होता है, लेकिन उस सिस्टम में आखिरकार वो बायर्स जिन्होंने पैसे देकर जमीन खरीदी घर बनाया लाठी खाने को मजबूर है, और उनकी भी अपनी समस्या है। वो कह रहे हैं आखिरकार हम घर हमसे छीन लिया जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहां, तब तक हम कहां जाएं। दूसरा सवाल सरकार की उस मुस्तैदी का भी है, हादसा ना हो उससे पहले कम से कम ऐसी जगह पर सावधानी बरती जाए। तो ऐसे में तमाम सवाल के साथ साथ आज हम इस चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि चर्चा आम जनता की है, आम जनता जिन्होंने पाई पाई जोड़कर घर खरीदा। लेकिन आज, और हम सिर्फ शाबेरी पर चर्चा नहीं करेंगे, ये भी साफ कर दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में वो बिल्डर्स जो लोगों से पैसे ले लेकर घर बनाने का वादा कर देते हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखा देते हैं, टाइमलाइन दे देते हैं, इस डेडलाइन तक आपका पोजीशन मिल जाएगा, सालों तक नहीं मिलता है। आम्रपाली इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है, नहीं मिलता है, लगातार बायर्स परेशान होते रहते हैं, अंत में आकर हार जाते हैं, कहते हैं कौन कोर्ट कचहरी करेगा, और आखिरकार थक हार कर वो पैसा छोड़ देते हैं, और ये बिल्डर्स उसी पैसे से तमाम तरह से लोगों को और सपने दिखाते हैं और लूटने का काम करते हैं। हम सभी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा लगातार सामने आ रहा है, जो मामले कोर्ट में गए वो यही कहते हुए नजर आते हैं। तो पूछता है सवाल पांच का प्रश्नकाल में, तो सीधे अपने डिबेट का पैनल ओपन करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ एके मिश्रा है, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौबे जी, पीएसपीएल से डीपी यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अतिवान त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वकील संजय पांडे हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्स आईपीएस लक्ष्मी नारायण सर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण सर, ग्रेटर नोएडा से, शाबेरी से इस वक्त ताहिर सैफी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे। ताहिर, आपके पास आएंगे उससे पहले हम कोशिश ये भी करेंगे कि आप कुछ लोगों को भी अपने साथ रखें, ताकि वो शाबेरी के लोग हों जिनसे उनके दर्द को हम समझ सकें, जो मुश्किल अब तक उन्होंने झेली उसको हम आसानी से समझ सकें। सबसे पहले इस पूरे मामले पर चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास आएंगे। सवाल सर ये है कि आज की तारीख में सरकार की मुस्तैदी सही है सर, 22 पुलिसकर्मियों की सूची मुख्यमंत्री ने मांगी और कहा कि 2015 से 2018 के बीच में जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उनकी मर्जी के बिना आखिरकार कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था, वो अधिकारी प्राधिकरण के उनकी लिस्ट मांगी गई और उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, बहुत अच्छा संदेश है आने वाले समय के लिए। लेकिन सर, आज जब वो बायर्स आपके साथ मीटिंग्स करते हैं, आज जब वो बायर्स सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हो रही है। मैं आपसे सर सवाल करना चाहता हूं, सारी चीजें ठीक है, आपका जो कदम है वो इसीलिए है ताकि लोगों की जान बच सके, दोबारा घटनाएं ना घटें जो पिछले साल घटी हैं, लेकिन इस बीच वो बायर्स कहां जाएं, वो बायर्स क्या करें जो वहां पर रह रहे हैं, पाई पाई जोड़कर जमीन खरीदी घर बनाया। अजितेश जी, जब से ये मामला संज्ञान में आया है सरकार को, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पूरी तरह से पहले जांच कराया, जांच कराने के बाद वहां पर जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की संतुति दी, उसके बाद जो इसमें बिल्डर पाए गए अवैध निर्माण में या अवैध जमीन में, उन सबकी सूची मंगाई गई है। लगभग 208 लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसको अवैध निर्माण कराया या उसमें संलिप्त हैं। सरकार न्याय दिलाने के लिए ही ऐसे लोगों की सूची उस सरकार ने मांगा है, उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर या एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि जिन लोगों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की है, जिन पीड़ितों के साथ अन्याय किया है, उनको न्याय मिल सके। सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। सर ठीक है, आपने कह दी, मैंने कुछ और सवाल किया था, मैंने कहा था सरकार की कार्रवाई से कोई सवाल नहीं है, सवाल ये कि वो बायर्स कहां जाए, ये मेरा सवाल है। मीटिंग्स आपके साथ हो रही है ना, कोई समाधान नहीं निकलता नजर आ रहा, आप उनको घर कैसे मिले, कहां जाएंगे, वो खाली करा देंगे, आप जाएंगे कहां, वो सीधा ही सा सवाल है सर। नहीं अच्छे इसका समाधान पहले करना जरूरी है, जो लोग भी नहीं, देखिए इस तरह का ये मामला अगर आप देखेंगे फिर आप कहेंगे कि हम राजनीति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इसकी जड़ में जाना बहुत जरूरी है, ये जड़ किन लोगों का इनके ऊपर समर्थन प्राप्त था,
कौन कौन लोग इसमें अधिकारी शामिल रहे, कौन कौन पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, या कौन बिल्डर इसमें, इनके ऊपर किसका हाथ था। जब ये जांच होगी और जब इन लोगों पर कार्रवाई होगी तो वो सब बाहर आएगा। और उससे, जो और उससे बायर्स को घर मिल जाएगा सर, दूसरी जगह रहने के लिए, है ना सर। तो जब तक वहां दूसरा निर्माण ना हो जाए तोड़फोड़ करने के बाद, हटाने के बाद। नहीं, मान लीजिए अगर इन लोग वहां पे रुके रहेंगे तब भी तो इनके जान माल मैं कहां कह रहा हूं जो है खतरा है। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल आपका कदम अच्छा है, मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं सर कि अगर जो लोग वहां पर रह रहे हैं आप उनकी जान की परवाह करते हैं, आप चाहते हैं कि वो खाली कर दें ताकि उन बिल्डिंग्स को और से हटाया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन सर उस बीच में जाएंगे कहां। मैं ये सवाल कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी भी आप ही की है, हम सिर्फ जिम्मेदारी याद करा रहे हैं। कम से कम उनके लिए कोई फिर रहने की कोई जगह तो होगी, वो कहां जाएंगे सर। मतलब हम और अगर आप दोनों हो और जितना अगर सब लोग सोचिए ना, फिर वो कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी भी देनी लेनी पड़ेगी ना सर हमें। नहीं बिल्कुल, इस पर भी सरकार जो है मंथन जरूर कर रही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर विचार कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देने की मंशा है सरकार की, सरकार तो न्याय दिलाना चाहती है, इसीलिए तो ये सारी कार्रवाई और ये सारे कदम उठाए गए हैं। अन्यथा अगर उनकी चिंता ना होती तो इसको लेकर अभी जैसे कोई प्लान पहले नहीं चल रहा था, जिस प्रकार से बिल्डरों के ऊपर ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें ऐसा ही होता है, संरक्षण प्राप्त था। हमारा प्रदेश से आते हैं दूसरे यहाँ के रहने लगे, अपने घर बार छोड़कर नौकरी के चक्कर में यहाँ कर सोचते हैं घर ले लें, पाई पाई जोड़ते हैं सर, पैसा जमा करते हैं बिल्डर के पास, कहता है घर मिल जाएगा, 2015 में पैसे जमा कर रहे हैं तो कह रहे हैं 2022 तक 20 तक पोजीशन दे देंगे, 2030 हो जाती है नहीं मिलता है, पैसा हमारा लगातार जाता रहता है, बैंक की ईएमआई जाती रहती है लेकिन घर नहीं मिलता है। शावेरी का मामला भी इससे अगर हम जोड़कर देख ले सर, तो वहां पर कहानी कुछ वैसी नहीं लेकिन सेम वैसी ही है, कंस्ट्रक्शन करके दे दिया, कमजोर करके दे दिया, आप तोड़ेंगे जाएंगे कहां सर। नहीं नहीं देखिए, ये मामला केवल आपका दिल्ली एनसीआर का नहीं है, आप ओवरऑल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं, चाहे प्राइवेट ये मकान वगैरह बनाए, स्काई स्क्रैपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए, या फिर आप ये देखिए गवर्नमेंट वगैरह भी जो पुल वगैरह बनाते थे ठेकेदार, दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में घर और बनाने की देखे जाए तो आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा जमीन ये लोग कब्जाते कैसे हैं। पहली चीज जो आपने अभी बोला ना, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी, होता क्या है, ये एक नेक्सस था जिसमें पूरा सिस्टम मिला था, विकास प्राधिकरण वगैरह मिले होते थे, फाइलें जहां जहां जिस जिस टेबल से गुजरती थी वो सारे लोग मिले होते थे। और ये बहुत दुखद है स्पेशली भारतीय समाज के लिए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी आप देखोगे ना तो बहुत से देशों के कंपैरिजन में बहुत पुअर है। ये केवल इतना ही नहीं करते थे कि इन्होंने पिक्चर दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, निकाल देने के बाद क्या होता था कि पैसे ले लेते थे, दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते थे, वो बनते भी नहीं थे। कई जगह होता ये था कि एक एक इंच पे जो है वो बट्टा लगाते थे, ऐसे लगाते थे कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाया है तो उसके मापदंड में बहुत सारे हेर फेर कर देते थे, जी ये तो कारपेट एरिया हमने दिखाया था, फुल एरिया दिखाया था, क्वालिटी इतनी घटिया लगाते। ये बिल्डिंगें क्यों गिरी, आप सबसे ज्यादा ये देखो, ये इतनी घटिया क्वालिटी लगाते हैं ये लोग, इसीलिए हादसा हुआ है ये। और इसमें एक एक चीज के लिए मैं फेवर करता हूँ, योगी जी ने जो जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है, सरकार को एक चीज और करना चाहिए, जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं वहां पे, ये गवर्नमेंट की न्याय व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी होती है कि सिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व थे, एक सिपाही से लेकर के बिल्डर का मालिक और जीडीए नोएडा वगैरह के डेवलपमेंट प्राधिकरण अधिकारी, सबके ऊपर पेनाल्टी लगा करके वो पैसे रिकवर किए जाए, पहली चीज, और उनको उतनी वैल्यू का बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ वापस दिया जाए। बिल्डिंगें गिर रही है, क्वालिटी नॉर्म पे वो पूरी नहीं है, तो ये गलती ये इन कंज्यूमर्स की थोड़ी है जिन्होंने घर खरीदा था, ये तो गलती है कि प्राधिकरण ने क्यों पास किया, पहली चीज, बिल्डर ने क्यों घटिया मेटेरियल लगवाया, तो इन दोनों लोगों से रिकवर करके बैंक इंटरेस्ट के साथ इनको दे दिया जाए ताकि जाकर के वो कहीं और खरीदे, तो ये कार्रवाई भी गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, गंभीर सवाल आज की तारीख में उठते हैं पूरे मामले को लेकर। डीपी यादव आपके पास आएंगे, क्योंकि जब बात हो रही है इस पूरे घटनाक्रम की, तो देखिए आज की तारीख में जब कार्रवाई हो रही, तो विपक्ष भी लगातार कई चीजों को लेकर सरकार पर हमलावर है, बायर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहां भी नोएडा में हमने देखा, जब बायर्स प्रदर्शन कर रहे थे, कई विपक्षी नेता भी आ गए प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन सर अगर हम देखें तो शर्म हमें खुद आ जाएगी कि आखिरकार ये जब चीजें हो रही थी, कब हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, सब कुछ पता है, सभी को सब कुछ पता है। आज भी हमें और आपको भी पता है कि निर्माण होता कैसे, कौन करता है, किसकी शेपर करता है। जी जी
जी अजितेश जी, देखिए हर आदमी का एक सपना होता है कि उसकी जिंदगी में उसकी अपना मकान हो, उसका अपना छत हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा बचा कर रखता है, कर्जा लेता है, लोन तमाम बैंकों से लेता है या अपने रिश्तेदारों से लेकर के वो एक मकान खरीदता है। तो देखिए ये गाड़ी कमाई जान माल की सुरक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। इसमें आप देखेंगे तो केवल साहबेरी नहीं, आप नोएडा गाजियाबाद के आसपास देखेंगे और उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में तमाम आप लखनऊ के आसपास भी देखेंगे, ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो अनियमितताओं के नींव पर खड़ी हैं, जो कि अनियमितता घोटाले और तमाम तरह की उसके काली कमाई का कहानी कहती हैं, तो आप देखेंगे किस प्रकार से बिल्डर के हौसले बुलंद होते हैं लोगों को बरगला करके। या अभी हमारे ए के मिश्रा जी ने जो पहले बताया कि उनको जो है कि सवाल सर ये कि 2015 से 17 की हम बात करते हैं, चूंकि 18 में हादसे हुए पिछली साल, एक आपको याद होगा 18 में ही हादसे हुए हैं पिछले साल, 15 से 18 तक ये जाँच हो रही है जो पुलिसकर्मी थे, आपको नहीं लगता कि अगर अधिकारियों की बात होगी उस दौरान जो अधिकारी तैनात थे, नोएडा प्राधिकरण की बात होगी, तो सवाल किस पर भी उठेगा सर? उसी सरकार पर उठेगा जिसके जो आपके नेता है वो पिछली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी सिंचाई सब उनके पास हुआ करता था। ये सब चीजें सर अंधेरगर्ती में चलती रही, मानकर चलिए, मानकर चली कि अंधेरगर्दी में सब चीजें चली। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल 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 हम लोगों की यह मांग है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे। देखिए पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जांच तो जरूरी होती है, जनता के जांच तो जरूरी होती है, लेकिन सड़क पर चलने वाला एक आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो वो आसानी से समझ जाता है कि ये हुआ, इसमें गलती किसकी होगी, आसानी से समझ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी बिल्कुल, अगर 2015 से 17 के बीच में जो निर्माण हुए, 18 में हादसे हुए हैं, सबको पता है कोई 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 एक आम आदमी आके निर्माण तो करके चला नहीं जाएगा, करवा के चला नहीं जाएगा, कितना बड़ा एक नेक्सस होता है जिसका जिक्र एक ने किया कि नोएडा प्राधिकरण, मतलब समझ रहे ना, मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप होता है वहां, कौन अधिकारी कौन नहीं है, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं जैसा कि अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, शिवपाल जी मंत्री थे, ये सब चीजें सबको पता होती हैं, सीधा हस्तक्षेप होता है, और उसके बाद अगर ये हादसे लगातार हो रहे तो सोचिए किसकी वजह से निर्माण हुए होंगे ये। अजितेश जी डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक और दिल्ली से सटे हुए ये मामला है, तो इसमें हम लोग मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष जांच कराए और जिनको इसमें धोखाधड़ी हुई है जिनके साथ उनको मकान दोबारा दे या उनका मुआवजा दे, ब्याज सहित जोड़कर उनका पैसा दे। हाँ चलिए ठीक है, रतिबान जी आपके पास आएंगे, फिर हम ताहिर के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी नारायण सर के पास चलेंगे, एक आईपीएस से। सर सवाल ये, ऐसे तमाम मामले आपने देखे होंगे अपने कार्यकाल के दौरान, अगर हम देखें ऐसी स्थिति सामने आती है, शाबेरी का प्रकरण भी सबके सामने, आज की तारीख में एक दुविधा है, दुविधा सर ये कि अगर वहां पर रहे तो जाहिर सी बात है जान जा सकती है, बिल्डिंग्स लगातार गिरी हैं पिछले साल और अब जो उनकी नपाई हुई देखा गया किस तरह का उनमें सामान लगा है वो बहुत कमजोर है, वो गिर सकता है, बायर से कहा जा रहा है घर छोड़ दीजिए हम ध्वस्त करेंगे, बायर्स कह रहा है भाई हमने घर खरीदा है हमें से कैसे छोड़कर चले जाए, हम जाएंगे कहां, वहां इंतजाम तो कर दीजिए आप, इसको लेकर कोई जवाब है नहीं। सर किस तरह से आप पूरे मामले को देखा जाए, कौन कौन से कानूनी पहलू हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है, बायर्स को भी अगर हम बात करें और बिल्डर्स जो हैं जो लगातार इस चीज को लेकर अभी खामोश है। आइए देखिए प्रकरण जो है जी, ये एक प्रकरण नहीं है, इस तरह के बहुत से प्रकरण आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। मुद्दा यह है कि वर्तमान में जो कानून है इस पूरी कहानी के लिए वो पर्याप्त नहीं है। हमारा मानना, इसमें पहले भी डिस्कशन हुआ था, हमारा मानना यह है कि इसमें जो विकास प्राधिकरण होते हैं दे शुड बी नेशनल पार्टनर ऑफ एवरी बिल्डिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स बनती हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट के उनका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो प्रारंभ से ही उसको गिरा देना चाहिए जी। इनके अधिकारी कर्मचारी को सब पता रहता है कि किस जगह पे निर्माण हो रहा है, ऐसे में इसको आंख बंद कर लेना ये क्रिमिनल श्रेणी में आना चाहिए। दूसरी बात, लॉ में परिवर्तन करके इनको नेशनल पार्टनर बनाना चाहिए ताकि प्राधिकरण की जिम्मेदारी हो कि यदि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब होती है या अवैध निर्माण होता है उन सब के लिए कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण जिम्मेदार ठहराया जाए। वर्तमान प्रकरण में जो पैसा बिल्डर्स ने ले लिया है वो बिल्डर्स से और संबंधित अधिकारियों से वसूल करके उनको
वापस देना चाहिए जो भी जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, अथवा सरकार इनको अपने तरफ से मकान बनवा करके दे और जो डिफरेंस हो वो पैसा वसूल किया जा सकता है। जहां तक जांच का सवाल है, ऐसे प्रकरणों में जांच थोड़ा शीघ्र करी जानी चाहिए, डिले करने से हमेशा जस्टिस डिनाइड हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए जस्टिस के लिए जरूरी है कि जल्दी जांच हो और समय पर इसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, आपके पास आएंगे लक्ष्मी नारायण जी, हम और आगे चर्चा करते रहेंगे। एक बार अतिवान जी के पास जाएं, उसके पहले जरा ताहिर का रुख करते हैं। ताहिर चूंकि इस वक्त शाबेरी में खुद मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये पूरी स्थिति लगातार बन रही है। ताहिर, अभी तक की सबसे पहले आपसे हम अपडेट चाह रहे हैं, चूंकि 22 पुलिसकर्मी और उनमें अधिकारी भी शायद हैं, उनकी एक सूची जो है वो सौंपी गई है, शासन को भेजी गई है, जिन पर कार्रवाई होगी, 2015 से 2018 के बीच में तैनात थे। लेकिन अभी तक जो बायर्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि उनके मन में लगातार एक डर है, प्रदर्शन भी उन्होंने सड़क पर किया, क्या अभी तक उन तक कोई समाधान पहुंचा, अभी तक मामले को लेकर अपडेट किस तरह के हैं ताहिर? देखिए बिल्कुल अजीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 पुलिसकर्मी है वो है जो बिसरत थाने में तैनात थे, या फिर सावेरी की वो पुलिस चौकी जिसमें तैनात कुछ पुलिसकर्मी थे, सभी 22 लोगों की रिपोर्ट जो है बनाकर बाकायदा शासन को भेजी गई है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो सावेरी था उसमें अवैध निर्माण को जो है बादस्तूर जारी रखा गया, लगभग 10 वर्षों तक जो है सावेरी के अंदर जो है अवैध रूप से निर्माण कार्य चलता रहा। यहाँ मौजूद जो बायर्स हैं इनसे मेरी बात हुई है, बायर्स का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ वो पुलिसकर्मी ही दोषी नहीं है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, बल्कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात जो अधिकारी हैं उन पुलिसकर्मी प्राधिकरण के आला अधिकारियों के खिलाफ भी जो है शासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी तो बाद में आते हैं, उससे पहले ही जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी है उनके होते हुए आखिर सावेरी में अवैध निर्माण कैसे हो गया। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि सावेरी में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा अपने बिल्डिंगों के नक्शे तक ग्राम पंचायत से जो है पास करा लिए, जब ग्राम पंचायत के पास नक्शे पास कराने की जो है हुआ ही नहीं थी, तो आखिर ग्राम पंचायत ने जो है कैसे आखिर इन नक्शों को पास कर दिया। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको लेकर जो बायर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बायर्स हैं उनके मकान को जो है पहले जांचा जाए, अगर जांच के दौरान उनके पाए जाते हैं मजबूत पाए जाते हैं तो उनको गिराने का कार्य नहीं किया जाए, बल्कि जो जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है उनको गिराने के लिए बाहर जरूर राजी है। लेकिन ताहिर, जिनके मकान वाकई में जर्जर पाए जा रहे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, ऐसे लगभग कितने, कोई आंकड़ा आया कि अभी तक कैसे कितने लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, और अभी तक अगर घर खाली कराया जाता है, ध्वस्त किया जाता है, तो उनके लिए किस तरह की कोई इंतजाम की बात आ रही है क्या अधिकारियों की तरफ से? देखिए बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए, लेकिन उन्होंने बंद कैमरे के दौरान जो जरूर कहा है कि जो अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग है इन्हें सबों को एक साथ जो है गिराने का काम किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा डायनामाइट और बुलडोजर का सहारा लिया जाएगा ताकि इन अवैध बनी हुई इमारतों को गिरा दिया जाए। लेकिन जहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि बायर्स को जब दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात का प्राधिकरण के आला अधिकारियों से की जाती है तो पूरी तरह से वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि प्राधिकरण के पास इन बायर्स को शिफ्ट करने के लिए अभी कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है जहां पर इनको जो शिफ्ट किया जा सके। प्राधिकरण के आला अधिकारी बिल्डरों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बायर्स को जो है राहत देने की बात साफ नजर नहीं आती, और यही कारण है कि मजबूर होकर बायर्स ने बीते दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया था, उसके दौरान बायर्स और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, लाठीचार्ज भी उन पर किया गया था, उन्हें हटाने के लिए। ताहिर, आपके पास हम आएंगे, आपके पास हम लौटेंगे, रतिवान त्रिपाठी आपके पास आएंगे, उसके बाद संजय पांडे भी हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे, वकील हैं। रतिवान त्रिपाठी, इस पूरे मामले पर देखें, देखिए जाहिर सी बात है राजनीति जहां होती है, कई बार राजनीति होती है तो परिणाम बेहतर भी निकलते हैं क्योंकि दबाव बनता है, लेकिन कई बार राजनीति होती है जिसकी वजह से चीजें खराब भी हो जाती हैं। शावेरी का मामला भी आज की तारीख में राजनीति की भेंट तो चढ़ ही रहा है, लेकिन वो सिस्टम की लापरवाही को दिखा रहा है। देखिए, हम बात करते रोज, खबरें चलाते, एक लेखपाल ने 500 रुपये की रिश्वत ले ली, एक किसी अधिकारी ने 10,000 रुपये की रिश्वत ले ली, एक पुलिस वाले ने 2,000 की रिश्वत ले ली। सर, एक पूरा नेक्सस किस तरह से चल रहा है शावेरी का, आप समझ रहे हैं? और कोई देखने वाला नहीं था सर, कोई सुनने वाला नहीं था, मतलब अंधेर कर दी जिसे हम कह सकते हैं, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग बन रही है। मतलब यहां अगर हमारे ऑफिस के बाहर, नोएडा हेड ऑफिस के बाहर सर, एक चाय की टपरी अगर लग जाती है ना सर, तो पुलिस वाला आता है और लाठी मार के और चला जाता है, या तो उसे 200 रुपये ले लेता है दिन भर के, लगाओ चाय की दुकान। और बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बन रही है, बड़ी बड़ी 5-5, 6-6 मंजिला, और कोई देखने वाला नहीं है कि इनके मानक क्या है, इनमें कैसा माल लगाया जा रहा है, इन्हें कौन खरीद रहा है, इन्हें कौन बना रहा है, मतलब आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे। अजितेश जी, कुल मिलाकर के ये
कुएं में भांग घुलने जैसा मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में इस तरह के सैकड़ों अवैध निर्माण चल रहे हैं। ये आज से नहीं, हर सरकार के दौर में चलते हैं और सरकारें इन विकास प्राधिकरणों को, खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे एरिया को, वो दुधारू गाय मान के चलती है कि उससे बढ़िया पैसा निकलेगा। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सर वहाँ के अफसर्स हैं और वहाँ की लोकल पुलिस है, ये इसीलिए लखनऊ में पैसा दे करके, बाकायदा लाखों रुपए दे करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे प्राधिकरण में जाने वाले अफसर हो, चाहे किसी विभाग में जाने वाले, ये लोग नोएडा और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए जान दिए पड़े रहते हैं, केवल बेईमानी करने की नियत से जाते हैं। कोई किसी को ये नियत नहीं होती कि नहीं वो अच्छा काम करने जाएगा, बेईमानी करके कैसे धनार्जन करेगा, इसके लिए लोग वहां जाते हैं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, पूरे चुनौती देता हूं, कोई अफसर कहे कि उसने ये करके दिखाया है और उसने बेईमानी नहीं की, वहां के कितने रमारमण जैसे लोगों का घोर भ्रष्टाचार में नाम आया और ये सरकारें पोषित करती रही, उनको पालती रही, उनको सजा नहीं दी, उनको सब फलते फूलते अरबपति हो गए जितने भी अफसर, उनके केवल नोएडा में पोस्ट होने अफसरों वाले अफसरों की जांच करा ली जाए तो जो आधा उत्तर प्रदेश उसी उन्हीं के अवैध कमाई से अच्छा खासा निर्माण हो जाएगा। इतने बेईमान अफसर वहां पोस्ट किए जाते हैं कि उनको केवल बेईमानी का अवसर मिले और वो लूटपाट करके अपना घर बनाए, चाहे बिल्डर मरे या उनका ये है कि वर मरे या कन्या दक्षिणा से काम, उन्हें बिल्डर क्या लूट जाए या बिल्डिंग खरीदने वाले लूट जाए, उनसे इस बात से मतलब नहीं है, उन्हें इस मतलब है कि उनकी रिश्वत का रास्ता कैसे तैयार हो। ये बिल्कुल संजय पांडे जी, सवाल नहीं है, संजय पांडे जी आपके पास एक सेकंड आएंगे, है जो नोएडा जाकर के मलाईदार पोस्टिंग के लिए शासन में जुगाड़ लगाते हैं, बाकायदा दलालों के, बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपने दे दिया, मैं जरूर उस पर आऊंगा, खड़ी कराते हैं और उनके जरिए पोस्टिंग पाते हैं। हाँ ठीक है, संजय पांडे जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बार आपके पास आना चाहता हूँ, ये जो बहुत अच्छा नाम भी दे दिया प्रतिभान त्रिपाठी जी ने, रमा रमण एक ऐसी अधिकारी, देखिए कहा जाता है कि दरअसल सरकार आती है और हर सरकार के अपने अधिकारी होते हैं, कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, हर सरकार के अपने अधिकारी, सरकार आती है, अधिकारियों के ट्रांसफर करती है, तबादले करती है, रमारमण की संपत्ति की जांच करा ली, लेकिन रमारमण एक ऐसे एग्जांपल रहे नाम में, जब बीएसपी की सरकार थी तो वो नोएडा प्राधिकरण में थे और मलाई काट रहे थे, जब सपा सरकार आई, यादव सिंह शासन में भी उनकी मतलब पैसा रही कि रमारमण की जांच करा ली जाए तो समझ में आ जाए, पैसा एक ही वो चीज है जो मतलब सरकारों तक को झुका दिया भाई, राजनीतिक पार्टी की विचारधारा हट गई साइड से, हम आपको पैसा दे रहे बने रहिए, रमारमण आपने जिक्र किया, यादव सिंह भी है और ऐसे कई लोग, रमारमण जैसे तमाम अफसरों की जांच कराई जाए और उससे अवैध संपत्ति का, लेकिन सरकार में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, देखिए आपको पहले ही बोला त्रिपाठी जी, ये जो रेरा लाया गया है इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस या अपग्रेडेशन की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ, इस रतिबान जी आ रहे हैं, जी 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 जी, सिस्टम से जुड़े हुए पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना है, दो तीन चीजें बड़ी वो होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब कि इकोसिस्टम के हिसाब से नक्शे वगैरह पास हो, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट के पैरामीटर में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, आदेश हैं कि मकान या कोई चीज ऐसे बनाया जाए उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, उसका सख्ती से पालन हो। उसके बाद ये होता है जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, फ्रॉम डे वन से लेके मेटेरियल की क्वालिटी यानी क्वालिटी पैरामीटर्स को बिल्कुल भी इग्नोर या कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज टाइमलाइन की होती है, टाइमलाइन की होती है, अगर एक साल में फ्लैट वगैरह डिलीवर करने की बात हुई है तो एक साल में उसको दिया जाए। अब गेम कहां पे शुरू होता है, गेम शुरू तो बनने के पहले से होता है, गवर्नमेंट वगैरह पहले से ही कि भैया हम इसको ये फलाना जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उन्हीं के आदमी लोग वहां सस्ते में जो है जमीन खरीद लेते हैं, उन्हीं के बिल्डर खरीद लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे यही सब घपला हुआ था ना, कि पहले ही डिक्लेयर हो गया, दोनों तरफ किसी एक खास आदमी ने खरीद ली, तो ये एक माफिया है जिसमें कई तरीके के लोग, पूरा सिस्टम मिल करके इस माफिया को बना रहा है और इसका भुगतान या इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो पड़ता है निरीह जनता को, जो आपने बोला कि पाई पाई जमा करके जो लोग अपना फ्लैट वगैरह ये सब वहां पे खरीदते हैं। आप देखिए कितना बिल्डिंगें गिर गई थी, मैं तो ग्राउंड जीरो से उस वक्त था, डिबेट हम लोगों की हो रही थी, जिनकी फैमिली मर गई, और इन अफसरों को तो छोड़ दीजिए आप, जिनका नाम हम लोगों ने लिया उनको छोड़ दीजिए, पीयून भी अगर आप वहां का प्राधिकरण के दरवाजे पे जो पीयून होता है ना, मेरा एकदम मतलब मैं एकदम अश्योर हूं, आप जाके देखेंगे ना तो उसकी भी
दो चार करोड़ की कोठी होगी। अभी हाल ही में निकली थी कि बीएसपी के कौन ये इनके भाई थे मायावती जी के, 6000 रुपए की तनख्वाह पे काम करते थे प्राधिकरण में और 400 करोड़ का उनका प्लॉट है नोएडा में। ये कैसे हो जाता है 400 करोड़ रुपए की एक प्राइवेट कंपनी बनते बनते पीढ़ियां गुजर जाती हैं साहब, और यहाँ लोग प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। लखनऊ देख लीजिए, जितने भी इमर्जिंग सिटीज है जहां पे भी ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक को भी आप सारे अधिकारियों को, जितनी बिल्डिंगें अभी भी बनी है नोएडा में दिल्ली में, मैं आपको बताता हूं जरा स्ट्रिक्टली आप क्वालिटी नॉर्म को चेक कर लीजिए, सब फेल हो जाएंगी। अरे सर जिनमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ है, हम रह रहे हैं, आप एक बार ड्रिल कराइए ना तो सर पता चला उसी नीट तो उसी टाइम गिर साल डेढ़ साल के बाद वो पपड़ी छोड़ना शुरू कर देती है। और बड़े बड़े ब्रांडेड जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो नाम कर रहे हैं, इमरजेंसी स्केप के लिए रास्ता नहीं होता है। इधर गाजियाबाद वगैरह में तो ऐसे बिल्डर फ्लैट वगैरह बने हैं केवल एक आदमी जा सकता है, अगर भूकंप वगैरह आ जाए ना तो दो आदमी भागते एक साथ हाई, मतलब स्काई स्क्रैपर पे तो ये नियम है और ये सब अप्रूव्ड है सर कि बाहर इतनी जगह होनी चाहिए फायर वगैरह इन सब के सिचुएशन में लोग कलेक्ट होके एक जगह खड़े हो सके, और ये सब कुछ अप्रूव्ड भी है। सवाल ये, संजय पांडे जी आपके पास आएंगे, माफी चाहेंगे काफी देर बाद आ रहे हैं, आप सबसे पहले जानना चाह रहे हैं बायर्स ऐसी स्थिति में क्या करें, सबसे पहले कानूनी रूप से उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब बात आज की तारीख में सरकार की हो रही है, सरकार कह रही है जांच हुई है बिल्डिंग जर्जर है आपको खाली कर देनी चाहिए, अब उन्हें गिराएंगे, लेकिन बायर्स कह रहे हैं हम कहां जाएं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठी चार्ज भी हो रहा है, वो अपनी जगह भी सही है, सरकार भी अपनी जगह सही है, क्या कुछ समाधान हो सकता है, बायर्स आखिरकार सबसे पहले क्या करें बिल्डरों के खिलाफ ताकि उन्हें कम से कम नुकसान ना हो। धन्यवाद। ऐसा है जी, बायर्स को तो कानूनी संरक्षण लेना चाहिए और सरकार को चाहिए उसमें एक मानवीय दृष्टिकोण होता है, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर सरकार को उनका पुनर्वास करना चाहिए, और जब उनका पुनर्वास के लिए उनके सरकार के पास बहुत से विकल्प हैं और बहुत से हैंड होते हैं कि जो इक्विटी के आधार पर, साम्य के आधार पर, मानवता के आधार पर, कि भाई उनका दोष नहीं होता है, बिल्डर का दोष होता है। अब सरकार को अपनी थोड़ा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून में थोड़ा सख्ती लाना चाहिए, जैसा कि लक्ष्मी नारायण जी ने कहा और एके मिश्रा जी ने बताया, सही बात है कि ये मानक और गुणवत्ता दो आते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है तो मानक और गुणवत्ता को देखा जाता है। अब भारतीय मानक ब्यूरो इसीलिए बनाया गया है, लेकिन वो आज फॉर्मेलिटी के रूप में काम करता है कि उसके इतने फ्लोर बनेंगे तो इनसे सेंक्शन लेना होगा, इतने बनेंगे तो इनसे सेंक्शन लूंगा, सेंक्शन केवल कागज और कलम पे चलता है। अब वो सेंक्शन लेते जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होता है। जब तक कानून में जो ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, सत्य बात ये कही है कि ये बात सही है कि चाहे नीरा यादव से लेकर के तमाम आदमी, हर आदमी पोस्ट होना चाहता है कि प्राधिकरण की चीफ पे और सेक्रेटरी के पद पर और उसके चेयरमैन के पद पर और उसके प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए और इंजीनियर और जो भी है, तो वो अगर उनको उसी उसमें रख दिया जाए कि अगर उनका भी घर उसी तरीके जर्जर बना दिया जाए, ठीक है, तो कुछ लगेगा कि हाँ हम भी हिल सकते हैं, है ना सर। देखिए ना, इसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में बड़ी बड़ी कोठी भी है अधिकारियों की है, मजाले कि उनमें आप कील भी एक ठोक कर दिखा दें और कील टूट जाए, कील टूट जाएगी, गारंटी है। नहीं नहीं में नहीं होता, वो अपने में तो मानक। और यहाँ जिन घरों में बायर्स खरीद के रह रहे हैं, मैं बड़े बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, वहां पर गलती से अगर एक ड्रिल भी चला दिया जाना है सर, तो दीवार में जो सामान आस पड़ोस भी लगा होगा वो भी गिर जाएगा तुरंत, इतने कमजोर बने और रह रहे हैं लोगों में। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं एक बार फिर से उसी सवाल पर आता हूँ, क्योंकि सबसे जरूरी यहाँ पर ये कि ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जाए जो उसके लिए जिम्मेदार है, जिसे सरकार कर भी रही है, लिस्ट तैयार करवाई गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ पहली प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि ऐसी घटना एक तो दोबारा ना घटे, लेकिन शावेरी के को लेकर आगे का रोडमैप क्या है, ध्वस्त तो करा देंगे, फिर उन्हीं बायर्स जो बायर्स उनको बिल्डिंग सरकार बनाकर देगी, कौन देगा वापस मजबूत वाली, जरूर सरकार को बना करके देना चाहिए। संजय पांडे जी आ रहे हैं जी, एक पुनर्वास। चंद्रमोहन चौबे जी, जब देखिए आ रहे, संजय पांडे जी आ रहे हैं, होता है जी, को आ रहे सर, चंद्रमोहन चौबे जी सवाल आ रहे जी। नहीं देखिए अजितेश जी,
सरकार की मंशा स्पष्ट है। 2017 में जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी है, तब से यहाँ भ्रष्टाचार या गुंडा राज या भू माफिया जो भी है सबके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। सत्ता में आते ही भू माफिया जो है अधिनियम बनाया गया। हाँ। और उसके बाद आपने देखा होगा कितने मंत्री कितने अधिकारियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उसी अवैध निर्माण में आपने देखा होगा 300 अधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई जिसमें 200 से अधिक के ऊपर कार्रवाई हुई, चाहे वो जल निगम के हों, चाहे वो जो है चकबंदी के सुरेश यादव हों, या फिर लोक सेवा आयोग की अंजुलता कटियार हों, या अन्य हों, या फिर लखनऊ में चाहे जो है शारदा प्रताप शुक्ला मंत्री हो, चाहे जो है गायत्री प्रजापति का जो है अवैध निर्माण हो, सबको ध्वस्त किया गया। आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल कि ये सरकार जो है लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जो भी इसमें दोषी लोग हैं, जो भी लोग दोषी हैं, उन सबकी जांच हो रही है। 208 लोगों की जांच हो रही है, उनके ऊपर गैंगस्टर और उनके ऊपर एनएसए, उसके बाद उनके संपत्ति, वो कहां रह रहे हैं, कितनी उनकी संपत्ति है, सबकी जांच की जा रही है। और जांच उपरांत इन सबके ऊपर छोड़ा एक को नहीं जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा गाढ़ी कमाई का लूटने का हक किसी को भी नहीं है। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हो, जांच में आने के बाद एक एक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हाँ। और जो पीड़ित लोग हैं उनके हाँ। साथ भी सरकार उनके साथ जो कुछ भी होगा सरकार से संभव होगा। हाँ। जो भी विकल्प होगा, जो वसूली होगी उनके तहत उनके साथ सरकार उनको असहाय नहीं छोड़ेगी। ये आप विश्वास रखिए इस सरकार पर। लेकिन सर, ये सरकार ही जनता के लिए आई है और जनता की सेवा करने के लिए आई है। आज अगर बायर्स टीवी देख रहे होंगे तो सुन लेंगे, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर बतानी भी तो चाहिए कि आप घर खाली कर रहे हैं तो घर खाली करने के इतने समय बाद ये हो जाएगा, ये करेंगे हम। आज आप खाली उनसे कह रहे हैं घर खाली कर दीजिए, हम बिल्डिंग गिराएंगे क्योंकि खराब है, तो उनके मन में तो डर होगा ही ना कि आप गिरा देंगे फिर जाएंगे कहां। उनको ये बताइए ना कि बिल्डिंग खराब है, हम इसे गिरा रहे हैं, तब तक आप लोगों के रहने का इंतजाम हम करेंगे, उसके बाद आपको वापस शिफ्ट करेंगे, बनाकर देंगे, चाहे प्राधिकरण बना के देगा या बिल्डर से जो पैसा लिया जाएगा उससे बना के देंगे। कम से कम एक रोड मैप तो होगा ना, बिना उसके तो जनता तो सड़कों पर आएगी सर। निश्चित तौर पर जो आप नहीं जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना ये अचानक इस तरह घटित हुई, अचानक कई भी बिल्डिंगें वहां गिर गई, इसके सर उसको भी एक साल हो गया है ना, 18 में तो गिरी थी, इस तरह यही समय चल रहा था, 18 में गिरी थी सर, एक साल हो गया ना इस चीज को लेकर। अगर आप आज कार्रवाई की बात करें तो ये रोड मैप भी होना चाहिए ना, वो जाएंगे कहां डीपी यादव जी, बड़ी जिम्मेदारी तो ये भी है ना कि वो जाएंगे कहां। ये सरकार है तभी ये कार्रवाई तो करा देंगे, डीपी यादव जी गिरा देंगे, लेकिन वो जाएंगे कहां। सरकार होती ये सारा मामला दब गया होता, ये सारा मामला कहीं ना पता चलता, लेकिन इस सरकार का ही है कि आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये सरकार की मंशा स्पष्ट दिखा रही है कि लोगों के साथ है, पीड़ितों के साथ है सरकार। डीपी यादव जी देखिए अजितेश जी पिछले साल ये घटना हुई, लगभग एक साल हो गया, अगर सरकार इसके प्रति गंभीर रहती तो जो पीड़ित हैं कहीं ना कहीं वो शायद आज भी स्थापित हुए होते और उनको पुनर्स्थापित किया गया होता, उनको उसके बदले फ्लैट दिया गया होता या रहने के लिए मकान जो भी जैसा उनको सुविधा हो सकती थी दे दिया गया होता। अरे आपकी सरकार ने तो उनको फंसा दिया, कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है अजितेश जी, कमाई खा गई आपकी सरकार। जो सबसे छोटी मछली है आप सिपाही, क्या बात उसको दंडित करने पर विचार कर रही है, लेकिन उस तालाब में जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए सरकार गंभीर नहीं है। थोड़ा सुन लीजिए चौबे जी, सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा, सुन लीजिए आप भी सुन लीजिए, बैठे हुए हैं, सरकार किस प्रकार गंभीर है वो दिखाई दे रहा है। पिछले अगर साल भर में कार्यवाही की होती ना तो ये दिन देखने को नहीं मिलता है, वो लोग सड़क पे नहीं आते, आज अपनी गाड़ी कमाई के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं जिनके पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगी हुई है। आप लोग तो सड़क पे भी नहीं आने देते, नहीं मिल पाएगी तो उजागर नहीं होने देते, मर जाएंगे वो सब। कितने सालों से उनकी अवैध कमाई आप लोग खा गए, तो सरकार बनी है आपकी, उनके ऊपर कार्रवाई करिए ना, क्या कर रहे हैं सरकार, कार्रवाई के बैठे हुए ढाई साल हो गया और ढाई साल में केवल आपने 22 कर रही, वो देख रहा है करने के लिए सोचा है, देख रहा है मगरमच्छ बैठे हुए उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार कर रही है इसीलिए दिखाई दे रहा है, ढाई साल हो गए कार्रवाई नहीं हुई है।
आप लोगों ने तो दबा दिया था, आप लोग तो अवैध कब्जा करते हो गोली पर, कट्टा पर, लोगों को मारकर पीटकर अवैध कब्जा करवाते थे। घटनाएं ना हो इसको भी सुनिश्चित, ये आप लोग का समय का था, हो गया। आप लोग अवैध कब्जा करवाते थे, बिल्डरों से पैसा लेते थे, उसी का नतीजा आज है कि आज ये पाप दिखाई दे रहा है। 2.5 साल हो गए आप बेले। बस बस सर, अब कार्रवाई करने का समय आया, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। और हो जाए तो बता दीजिए, 2.5 साल में कार्रवाई करिए उनके ऊपर। बिल्कुल, 300 से अधिक अधिकारियों को चिन्हित किया, 200 से अधिक कई मंत्रियों का अवैध जमीनें गिराई गई, बिल्डिंगें गिराई गई, कई अधिकारियों का अवैध कब्जे सफिशियंट है सर आज के लिए। बस ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति तो होती रहेगी सर, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ जरूरी सवाल भी आपसे करना चाहता हूं ताकि लोगों के सामने वो समाधान निकले। सर, आज की तारीख में अगर हम देखें, एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा नेक्सस, जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे हेड ऑफिस जो नोएडा में है सर, यहाँ पर एक चाय की दुकान भी बाहर अगर एक आदमी लगा दे तो एक पुलिस वाला आता है सर, उसको हटा देता है, और अगर 100 रुपये दे दे तो वो लकी रहती है, या हटा भी देता है सर, मान लीजिएगा पैसे वो लेकर अब नहीं भी कर रहा है। लेकिन सर, बड़ी की बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई सर, और सिर्फ नोएडा की बात नहीं कर रहे हैं, शावेरी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये लगातार चल रहा है। सर, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, रेरा का जिक्र हुआ, नया कानून बना जिसके जरिए लोगों को, खासतौर पर बायर्स के लिए है, लेकिन सर अभी इसे और मजबूत करने की जरूरत है। ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें सर ना कि सिर्फ जो बिल्डर्स हैं वो, बल्कि एक पूरा नेक्सस काम करता है, बड़ा नेक्सस काम करता है, और मामला जब तक कोर्ट में ना जाए तब तक सर समाधान होता ही नहीं। और कोर्ट में सर कितना लोग जाते हैं आपको पता है, डरते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए ये समस्या जो है, मैंने पहले भी जैसा आपको कहा था कि ये समस्या बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको हमें सभी एंगलों से देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक तो इस समस्या का एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है और एक ओवरऑल समस्याओं का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। रेरा बनाया गया, लेकिन रेरा में अभी बहुत कमियां हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक प्राधिकरण इसमें प्रत्येक बिल्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि प्राधिकरणों की जिम्मेदारी दी जाए कि प्राइवेट बिल्डर्स उनसे संपर्क करें, उनके माध्यम से चीजों को लावें, और गुणवत्ता कंट्रोल वगैरह का प्राधिकरण जिम्मेदारी लेगा। हाँ। और यह भी सुनिश्चित करेगा कि समय से लोगों को पोजीशन मिल जाए। अब जहां तक इस नोएडा की इस बिल्डिंग का सवाल है, जहां पर कि पिछले वर्ष 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये दुखद घटना हुई थी, इसमें तो पूरी पूरी साफ बात है कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। फ्रॉड का मुकदमा भी इसमें पंजीकृत है, इसमें अन्य चीजें भी हैं, इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना निस्तारित की जानी चाहिए, और करने के उपरांत जो भी इसमें जिम्मेदार पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं विवेचना के उपरांत, उन सबके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजना चाहिए। हाँ। ताकि न्यायालय इसमें शीघ्र निर्णय करके उनको सजा मिले। हाँ। सजा जब मिल जाती है तो लोगों को वैसे भी लगता है कि हाँ अब कोई कार्रवाई हो गई है। हाँ। इसलिए इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ध्यान रखना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल रतिमान त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आपकी पिछली बात से आगे मैं बात करना चाहता हूं, उसी में जोड़कर। ये बात बिल्कुल सही है, रमा रमण का आपने जिक्र किया था और ऐसे कई अधिकारियों के नाम एके ने भी गिनाए जो दोनों सरकार के चरित्र है, बहुत कम होता है ऐसा। मैंने कहा था कि हर सरकार आती है, अपने अधिकारियों को लाती है, उनको पोस्टिंग करती है, अपने काम करती है, लेकिन रमा रमण बीएसपी सरकार में भी चाहते रहे, एसपी सरकार में भी चाहते रहे, और किस तरह से तमाम निर्माणों को लेकर धन उगाही, किस तरह से पैसे इकट्ठा किया गया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सर आज की तारीख में स्थिति क्या पाते हैं, शावेरी को लेकर कितना लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, इसकी क्या उम्मीद है? सरकार की कोशिशों को हम भी जायज ठहरा देते हैं, है, लेकिन सर अभी भी इसका ठोस जो है वो हम निदान नहीं निकल पाए। शावेरी का आलम कर देंगे, कल को दूसरी जगह, कल को तीसरी जगह, लखनऊ भी है, कानपुर भी है, आगरा भी है, कई जगह है सर। अजितेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये समस्या केवल शावेरी की अकेली नहीं है, अभी कई ऐसे प्राधिकरण हैं, कई नोएडा में ही कई और ग्रेटर नोएडा में कई ऐसी बिल्डिंगे हैं जिनकी जांच अभी कराई जानी चाहिए, सावधानी बरतने का। अब तो सरकार को इस दिशा में या प्राधिकरणों को स्वयं इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि उन बिल्डिंगों की गुणवत्ता की जांच अभी करा ली जाए जो अभी निर्माणाधीन है,
या आगे निर्मित होने वाली हैं उनके बारे में भी नजर रखी जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसी घटनाएं होंगी, या तो इसके लिए नियम बदलने की जरूरत पड़े तो नियम बदले जाए, कानून बदले जाए। अगर जरूरत नहीं है, नियम पहले शामिल हैं तो उनको लागू करते हुए उनके मानकों का पालन किया जाए और उन अफसरों को चिन्हित किया जाए। दंड ये सिपाही को दंडित करने से क्या लाभ होगा अगर थानेदार या वहां का सर्किल अफसर या वहां का एसएसपी और एसपी सीधे पैसा ले रहा है या उससे बिल्डरों से मिला हुआ है या प्राधिकरण के लोगों से मिला हुआ है, तो सिपाही का कोई क्या दोष होगा? सिपाही मुझे लगता है कि इसमें छोटे छोटे लोगों को चिन्हित करके और वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। मेरा यह मानना है कि उन अफसरों को जो वाकई जिम्मेदार हैं, जो वहां का टाउन प्लानर रहा होगा, जो वहां का सिस्टम वहां का इंजीनियर रहा होगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, जो उस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को देखता रहा होगा, सर्व करता रहा होगा, जो वहां के उपाध्यक्ष रहे होंगे, जो सीईओ रहे होंगे, जो सेक्रेटरी और दूसरे अलग ओहदेदार रहे होंगे, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जो जिन लोगों ने बाकायदा वहां जाने के लिए वहां उस पर उन पर ही कार्रवाई यहां पर बेहद जरूरी आज की तारीख में हो गई है। पैसा कमा सके इसके लिए बाकायदा पूरी ताकत लगा के वहां इसके साथ ही साथ आगे ऐसा ना हो उन लोगों की जांच होनी चाहिए, सिपाहियों को और कानून होना चाहिए, छोटे छोटे कर्मचारियों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। समय की कमी है इसलिए हम आगे चलेंगे और एक क्लास कमेंट सबसे लेंगे। पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता। जी जी जी, ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए, उनसे पैसा वसूला जाना चाहिए और सरकार को इसमें बाकायदा पुनर्वासन की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है सर, पुनर्वासन ठीक है ठीक है। संजय पांडे जी, तो संजय पांडे जी तो उस लोगों के लिए, शाबिरी के लोगों के लिए, ऐसे तमाम पीड़ितों के लिए 30 सेकंड में 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, एक फाइनल प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कि आखिरकार कैसे लोगों को यहां पर राहत मिले, ऐसे मामले दोबारा ना हो, एक वकील के रहते हुए 30 सेकंड में सर एक फाइनल कॉमेंट। अतः जी, इसमें जो भारतीय मानक ब्यूरो है उनकी जो सिफारिशें हैं उनको कड़ाई से लागू करना चाहिए और सरकार को, जैसा आप त्रिपाठी जी ने बताया सही है कि उनके जो मानक और गुणवत्ता उनको ध्यान रखना चाहिए, लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स मजबूत रखनी चाहिए, फिक्स रखनी चाहिए, उससे ही इन घटनाओं की पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं सकती। अगर आपका मटेरियल और उसकी गुणवत्ता को जांचा परखा और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो ऐसी घटनाएं तो घटित हो ही नहीं सकती। ठीक है डीपी यादव जी, 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। संजय पांडे जी आ रहे हैं, डीपी यादव जी 30 सेकंड। देखिए जी अजितेश जी, देखिए इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले पर सरकार को गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई इस प्रकार से भविष्य में घटिया किस्म का मकान बना करके और लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ न करे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे और उनकी जान माल को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। लक्ष्मी नारायण सर 30 सेकंड में आपसे भी एक फाइनल कॉमेंट चाहेंगे, एक आईपीएस लेते हुए लोगों के लिए, बायर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए भी सर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था और इसमें अभी विवेचना समाप्त करके तत्काल कार्रवाई हो जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो है कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है सर। चंद्रमोहन चौबे जी 30 सेकंड एक लास्ट कमेंट आपसे। जी अजितेश जी, बिल्कुल जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं सबसे पहले सरकार उनके साथ है, जो भी न्यायचित होगा उनके साथ किया जाएगा और जो दोषी लोग हैं, जो दोषी पक्ष है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे पुलिसकर्मी छोटे हो या बड़े हो या जो भी नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हो गए, जांच हो रहा है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो कहीं से बक्से नहीं जाएंगे, किसी दबाव पे काम नहीं करेगी। लोगों के लिए पुनर्वासन को लेकर क्या होगा, उनके घर जो चले जाएंगे? ये बिल्कुल जब इन लोगों से वसूला जाया जा रहा है, बिल्कुल ये सब होगा, सरकार जो भी संभव होगा, जो जितना भी हो सकेगा सरकार इनके साथ रहेगी, इनको पुनर्वास की भी चिंता करेगी। रतिबान त्रिपाठी जी आपसे एक फाइनल कमेंट 40 सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार और उनके संवेदनशील अफसर बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे ताकि साइबेरी के पीड़ितों को न्याय मिल सके और उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। जी एक ही इस पूरे दौर में अगर हम देखें तो आपने सबको सुना, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, थोड़ा सा मजबूत चाहूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आज भी समस्या की जब हम हल की बात करते हैं तो अधिकारियों पर कितनी आप कार्रवाई कर दें सर, लेकिन हल निकलता नजर नहीं आएगा। आज शावेरी सुलझा लेंगे, कल दूसरा आ जाएगा। गवर्नमेंट की है शावेरी पे ही क्यों एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो गया, गिर गया,
इसी तरीके के निर्माण तो पूरे यूपी में हुए होंगे, पूरे देश में हुए होंगे, तो यूनिफॉर्म तरीके से आप क्यों नहीं करते? देखिए बेसिक प्रॉब्लम ये है, मापदंड वगैरह सब बने हैं, उसमें कमी नहीं है, कमी है इम्प्लीमेंटेशन में। तो ओवरऑल सिस्टम को इम्प्लीमेंट ग्राउंड जीरो पे कैसे किया जाए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी हो, उनको इफेक्टिव बनाना ये बड़ा जरूरी है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो गवर्नमेंट का है वो बहुत वीक है, अभी भी बहुत वीक है। एक लिंक भी अगर ईमानदार हो जाए, मैं बोलता हूँ एक ऑफिस में एक क्लर्क भी ईमानदार हो जाए ना, तो पूरे ऑफिस में गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी जल्दी बोलिए सर, समय नहीं है, 20 सेकंड में सर। जी जी अजितेश जी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नोएडा में ही नहीं या साहबेरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान चल रहा है। लखनऊ में अंसल बंधुओं ने किया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, कई अधिकारी उनके जेल तक गए हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ये हर जगह जो भी लोग हैं इस तरह के सगे, भूमाफिया, एंटी भूमाफिया इसीलिए बनाया गया है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन चौबे जी आपका, शुक्रिया डीपी यादव जी, शुक्रिया रतिवान त्रिपाठी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पांडे जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तायर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया एके मिश्रा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज शाबेरी की बात कर लें या किसी और इलाके की, अवैध निर्माण ऐसा नहीं है रुक गए, अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आप जिंदगी भर पाई पाई जोड़कर एक घर खरीदते हैं और घर खरीदने के नाम पर आपके साथ छलावा होता है, कभी समय से पजेशन नहीं मिलता, जो मिल जाता है वो अवैध होता है, कभी खराब होता है और घर गिर जाता है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, अपनों को खोने का भी है। लेकिन आखिरकार ना तो शर्म उन बिल्डर्स को आती है जो इस तरह से अवैध निर्माण करते हैं, पजेशन समय से नहीं देते हैं, और ना शर्म उन अधिकारियों को है जिनकी सहमति के बाद ऐसा होता है। सवाल फिर से वही है कि बायर्स और बिल्डर्स के बीच में आखिरकार जो लड़ाई लगातार है, जो छीटाकशी है, जो बायर्स की लगातार मांग है, उसमें आखिरकार वो लोग, वो बायर्स जाए कहां जो पाई पाई जोड़कर घर खरीदते हैं और पैसा बिल्डर को जाकर दे देते हैं। पांच के प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।